सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भरने का सही समय आ गया है। अब आपने अपनी 3B भी फाइल कर दी होगी, GSTR 1 भी फाइल कर दी होगी, तो अब आपने अक्टूबर तक की अपनी सारी रिटर्नें फाइल कर दी हैं, तो अब आप GSTR 9 भर सकते हो। लेकिन सर, GSTR 9 भरने में समस्या आ रही है। जब आप GSTR 9 के पोर्टल पर जाते हो, मैं आपको पोर्टल दिखा रहा हूँ, जब आप पोर्टल पर जाते हो तो पहली बात तो चेंजेज क्या है, तो सबसे बड़ा चेंजेज क्या है कि GSTR 9 की जो हमारी टेबल नंबर 8 है, जो GSTR 9 की हमारी टेबल नंबर 8 है, जो टेबल 8 है होती थी पहले, उसमें ITC आता था 2A से, अब आ रहा है ITC 2B से। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? भैया बहुत फर्क पड़ता है। पहले 2A से ITC आता था, 2A एक डायनेमिक स्टेटमेंट थी, अब 2B से ITC आ रहा है। 2B जो है एक फिक्स स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। तो यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका टेबल 8 है में ITC आ रहा है, जो आपको शो कर रहा है, आपको ये मैच करना पड़ेगा, आपको ये मैच करना पड़ेगा अपने बुक्स के ITC से। और कई बार आप ये देखोगे ये वाला जो ITC है ये आपको बड़ा कम दिखाई देगा। तो सर हम इसे मैच कैसे करें? सर हमारी तो जो सेल्स है वो भी मैच नहीं हो रही, हमारा तो ITC भी मैच नहीं हो रहा, हमारा तो बुक्स का डेटा अलग है। तो भैया हमेशा समझो, इस तरह के पूरे डेटा को मैच करने के लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, गूगल पर जाकर टाइप कर देना Express GST। ये आप इस सॉफ्टवेयर को आप डेमो वर्जन फ्री में यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो यहाँ पर जितने भी आपके क्लाइंट हैं आप सबका डेटा यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक GSTR 9 भर के दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर एक डेटा खोला अडीना का, तो हमने ये OTP मांगेगा, ठीक है ना, या जो कैप्चा कोड है वो डालेगा। अब यहाँ पर जब आप जाओगे, हमने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करा 23-24, तो यहाँ पे किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है ना, आप GSTR 9 को भर सकते हो। हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर आपको 9 भी दिखाई दे रही है और 9C भी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने पूरे साल की GSTR 3B और 1 को फाइल कर दिया है। अब हम भरने जा रहे हैं 9। तो 9 जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, भाई 9 पे जाकर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो ये सबसे पहले क्या कहता है, भैया GSTR 9 बाद में बनाना, पहले मैं ना इस स्नैपशॉट के अंदर आपको कुछ रिपोर्ट्स देना चाहता हूँ। पहले आप GSTR 9 बाद में बनाओ, पहले आप स्नैपशॉट्स में कुछ रिपोर्ट देखो। तो पहली रिपोर्ट किस चीज की है? कंपैरिजन ऑफ GSTR वर्सेस 3B वर्सेस बुक्स, कि भैया जो तुम्हारा GSTR 1 का डेटा है, जो GSTR 3B का डेटा है, ठीक है ना, या जो तुम्हारी बुक्स का डेटा है, पहले आप उसे कंपेयर कर लो। और जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आप यहां पर देखोगे मंथ वाइज कंपैरिजन दिखा रहा है। तो अगर किसी महीने में कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये एक बार टोटल में भी आपको दिखाएगा और ये मंथ वाइज भी दिखाएगा, तो आप इसे यहीं से ठीक कर सकते हो। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है यहां पर कंपैरिजन किसका दिखाई दे रहा है, ये एक आपको कंसोलिडेटेड 3B दिखाई दे रही है। तो जब आप ये कंसोलिडेटेड 3B पे जाओगे तो ये पूरे साल में आपकी टर्नओवर कितनी थी। अगर आपको एनुअल पे जाना है तो पूरा एनुअल भी कर सकते हो, जैसे आपकी 3B पूरे एनुअल में पोर्टल देता है वैसे भी आ रही है। अगर आपको मल्टी मंथ्स में जाना है तो मल्टी मंथ्स में ये आपको हर एक टेबल के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी डिटेल को दिखा देता है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी रिपोर्ट है जिसमें कहता है ITC कंपेरिजन। तो ITC कंपेरिजन ना तुम्हें कई बार करना होता है, आज की डेट में तुम्हें करना है 3B वर्सेस 2B का, तो यहां पर ये दिखा रहा है 3B वर्सेस 2B का भी दिखा रहा है, और अगर आपने 3B से कोई ज्यादा ले लिया वो भी दिखा रहा है, 3B वर्सेस 2A भी दिखा रहा है, ठीक है, 2A वर्सेस 2B भी दिखा रहा है, और अगर आप देखना चाहोगे तो रेट वाइज भी ये आपको दिखा रहा है। तो अगर आपका कोई भी ITC जो आपने क्लेम करा है, सारे के सारे ITC की रिपोर्ट आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि भाई 2B में कितना है, 3B में कितना है और मेरी बुक्स में कितना है। तो ये पूरा ITC का कंपेरिजन आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो एक इसकी एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, कई बार क्या होता है कि भाई आपके सप्लायर ने बिल चढ़ाया, इनवॉइस चढ़ाया, आपने उसका क्लेम ले लिया, बाद में क्या करा आपके सप्लायर ने उसे अमेंड कर दिया, तो यहां पर एक रिपोर्ट आती है अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट ऑफ B2B। देखो यहां पर आप दिखाई देगा आपको लास्ट में रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपको दिख रही होगी अमेंडमेंट की। तो जब आप इस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि अगर आपका कोई भी
रिकॉर्ड्स अपडेट हुआ है, कोई भी अमेंड करा है आपके सप्लायर ने या किसी ने भी, तो ये आपको दिखा देगा। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी GSTR 9 फाइल करने से पहले आपको पहले कुछ रिपोर्टों को तैयार करना पड़ता है, जो कि ये सॉफ्टवेयर रिपोर्ट तैयार करके देता है। सर बुक्स का डेटा इसके अंदर कैसे आएगा? भैया बुक्स का डेटा तो चाहे आपका टैली का हो चाहे आपका बिजी का हो, उस डेटा को आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये पूरी जो GSTR 9 है जो पोर्टल पर बनती है पहले ही सॉफ्टवेयर बनाकर दे देगा। जैसे हमारे को पहले हम जाएंगे सेल्स पर, सेल्स पर जैसे ही हम जाते हैं तो सेल्स पर आप अगर जाके देखोगे तो GSTN से क्या डिटेल आई वो भी ये दिखा देगा, आपकी बुक से क्या डिटेल आई वो भी ये दिखा देगा। अगर आप इसके आई बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपको पूरी समरी दिखा देगा कि भैया B2B का कितना है, B2CS का कितना है। तो अगर आप जो अपनी GSTR 9 बना रहे हो और इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी गलती के चांस बड़े कम हो जाएंगे। जैसे सेल्स में आपको दिखा दिया टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, सारा डेटा बुक्स का और GSTN का। और अगर आप इस डेटा को यहाँ पर चेंज भी करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर इस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर GSTN पे गए और यहाँ पर जो बुक्स का डेटा आया, अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर ये आपका एडिटिंग भी इसकी हो जाएगी। इसके बाद आपका आएगा ITC, तो जो ITC आपका टेबल नंबर 6 में आता है कि भाई टेबल नंबर 6 में मेरा बुक से कितना आया, और इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो जो हमारी बाइफर्केशन होती है ना, भाई इनपुट कितना था, कैपिटल गुड्स कितना था, इनपुट सर्विस कितना था, ये डेटा भी इसके अंदर आपको आराम से बाइफर्केशन करने में मदद मिलेगी। तो टेबल नंबर 6 में जो ITC आ रहा है उसे भी यहाँ कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा ठीक है ना, आपने अगर देखा होगा, इसके अलावा अगर आप देखते हो कि भाई टैक्स पेड और टैक्स पेबल हमारा कितना कितना रहा है, वो सारी डिटेल भी यहां से आ जाएगी। इसके अलावा जो पिछले सालों की डिटेल है, ठीक है ना, मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आप GSTR 9 कर रहे हो और उसका कोई ट्रीटमेंट आपने 24-25 में करा, ठीक है ना, 23-24 का कोई ट्रीटमेंट 24-25 में करा, तो जो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 है वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको बता देगा। और जो भी फिगर आप यहाँ पर डालोगे, आपने लेट्स सपोज यहाँ पर डाला कोई भी अमाउंट डाला, ठीक है ना, उसके ऊपर कितना टैक्स पेबल बनता है, तो वो ऑटो कैलकुलेट टेबल नंबर 10 और 11 में भी कर लेगा, अगर वो आपने 3B से पे नहीं करा है तो, ठीक है ना। इसके अलावा अदर्स डिटेल भी इसके अंदर आ जाएगी। अगर आपको इसे रिव्यू करना है तो रिव्यू भी आप अपनी पूरी GSTR 9 को कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, एक टेबल आती है टैक्स पेबल की। अब ये टैक्स पेबल की टेबल क्या बताती है कि भाई आपका कितना टैक्स बनता है जो आपको GSTR 9 के माध्यम से पे करना है। तो अगर आप इस वाली टेबल को यूज करेंगे तो वहां से आपका टैक्स पेबल भी निकल जाएगा और फिर उसके बाद आप अपनी GSTR 9 को प्रॉपरली सेव कर सकते हैं और पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी GSTR 9 भरने में दिक्कत आ रही है तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर और GSTR 9 में क्या क्या चेंजेज है? तो पहला तो चेंजेज मैंने आपको बता दिया भाई, ये 2B वाला है चेंजेज, ठीक है, इसे जरूर देख लेना। एक छोटा जो चेंजेज हुआ है वो टेबल नंबर 4 और 5 में हुआ है। सर टेबल नंबर 4 और 5 में क्या हुआ है? जो ई कॉमर्स वाली ट्रांजेक्शन थी, ठीक है ना, उसे और एड ऑन किया है। अदरवाइज GSTR 9 में और कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट है GSTR 9 को लेकर कि हाँ सर हमारा ये डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आप अपनी GSTR 9 फाइल करने की तैयारी कर लो। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो। तो आप अगर सॉफ्टवेयर की मदद से करोगे तो हो सकता है गलती के चांसेस आपके कम हो जाएं। तो यहाँ पर टेबल नंबर 4 और 5 में जो मैं आपको चेंजेस बता रहा था, ये ई कॉमर्स वाली ट्रांजेक्शन एक ऐड हुई है, ठीक है ना, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। बस जो टेबल नंबर 8 है उसमें बड़ा चेंजेज आया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर फिर भी GSTR 9 9C में कोई दिक्कत है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। किस वजह से? 6 और 7 दिसंबर को NIRC का इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन में मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल में कहीं रहते हैं या आपका कोई मित्र या दोस्त रहता है
या कोई रिलेटिव रहता है, तो आप उन्हें मेरे लिए वोट करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले 6 साल से 7 साल से जीएसटी की अपडेट्स आपको दी है, आप लोगों की क्वेरी सॉर्ट आउट करी है और मैं आगे चल के भी कुछ कर सकता हूं, तो आप बैलेट नंबर 15 है मेरा कपिल जैन के नाम से, उस पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।